life after marriage is bahagadori, you are never on time. 2 days left for our flight or parking ke naam pe hamara kuch nahi hua hai. Hi guys, my name is Kashika. Welcome back to my channel, or should I say welcome back to another vlog. I think मैं 2 महीने बाद vlog कर रही हूँ, but this vlog is going to be interesting. मैं हमेशा कहती हूँ जब कुछ interesting होगा मैं तभी vlog करूँगी, फालतू में नहीं करने वाली. So we are finally going on our honeymoon, you can say. शादी के 6 महीने बाद भी हनीमून होता ही है. सो वी आर गोइंग ऑन अ ट्रिप टू बाली. दिस इज माई फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप बाय द वे. सो दिस व्लॉग इज गोइंग टू बी मोर लाइक अ प्रेप सॉर्ट ऑफ व्लॉग, कि मैं क्या क्या प्रेप करने वाली हूँ, बिकॉज आज से मैं शुरू कर रही हूँ सारी ट्रिप की प्रिपरेशन. सो टुडे इज डे 1. मैं भी लेट हो रही हूँ, मैं भी जस्ट अभी नहा के आई हूँ, सो मुझे ज़रा जल्दी जल्दी तैयार भी होने दो. सो टुडे इज डे 1 ऑफ प्रिपरेशन एंड आई एम गोइंग फॉर लेज़र. सो मैंने पहले प्लान कर लिया था कि मैं एटलीस्ट 7 डेज पहले लेज़र करा लूँगी, बिकॉज लेज़र में क्या होता है, आपको 24 आवर्स के लिए तो एटलीस्ट लाइक स्किन को थोड़ा प्रोटेक्ट करके रखना होता है. इट्स नॉट लाइक आप कल जा रहे हो कहीं धूप में, स्पेशली कंट्रीज़ लाइक बाली जहाँ पे धूप बहुत ज़्यादा होगी, आप 1 या 2 दिन पहले लेज़र करा रहे हो. आई एम टॉकिंग अबाउट फुल बॉडी लेज़र बाय द वे, लेज़र हेयर रिडक्शन. सो वो एटलीस्ट मैं 5-7 डेज पहले कराना चाहती हूँ, सो दैट मेरी स्किन थोड़ी सी 24 आवर्स या 48 आवर्स जितना भी रेस्टिंग टाइम होता है वो उसको मिल जाए. सो आई एम गोइंग देयर. सो लेट मी जस्ट क्विकली गेट रेडी. As usual, I am late. चलो भाई जल्दी खोलो, मेरी 1 बजे की अपॉइंटमेंट थी. एंड एज यूजुअल आई एम लेट, और मैंने काफ़ी डार्क कलर की लिपस्टिक लगा ली है जल्दी में. मैंने पहले एक लिपस्टिक लगाई डल थी, फिर मैंने उसके ऊपर रेड लगा लिया, और अब ये काफ़ी डार्क कलर हो गया है. अब दिख रहा है या अब दिख रहा है? सो एज आई वाज सेइंग, 1 बजे की अपॉइंटमेंट थी और अब बज रहे हैं 1:30. एंड या 2 बार मैसेज आ चुका है, कहाँ पे हो आप, कहाँ पे हो. सो लेट मी जस्ट रीच. लाइफ आफ्टर मैरिज भागा दौड़ी, यू आर नेवर ऑन टाइम. आई टोल्ड माई हस्बैंड अमन कि मुझे ड्रॉप कर देना है, एंड एज यूजुअल व्हेन एवर आई टेल माई हस्बैंड मुझे ड्रॉप कर दो, आई एम ऑलवेज लेट. सो या अब कराते हैं फटाफट फुल बॉडी, और मैंने फुल स्लीव्स का पहना है, सो दैट मैं बाद में जब मार्केट जाऊँ तो धूप वूप ना लगे. सो या लेट्स गो. एकदम नीट नीट क्लीन फील आ रही है. हाथों का नहीं लिया मैंने, बिकनी का लिया, लेग्स का लिया, और जिस दिन लेग्स कराने थे कभी टाइट नहीं पहन के आना चाहिए, बट या चलो कोई नहीं. Many TikToks later. Hi guys, it's the next day. Just woke up, had my breakfast, chai paratha, all done. अब शुरू करते हैं पैकिंग के साथ. सो मैं ऑब्वियसली अभी प्रॉपर वाली पैकिंग तो करने नहीं वाली, लेकिन मुझे भी चीज़ें ऑर्गेनाइज करनी है. सो मैंने एक बैग बनाया हुआ था जिसके अंदर बेसिकली मैंने सब कुछ डाला हुआ था. यहाँ पे लाइट अच्छी नहीं आ रही है, यहीं पर ही बोलती हूँ. सो मैंने एक पूरा बैग बनाया था जिसके अंदर मैंने सारी ट्रिप के कपड़े डाले हुए थे. सो वो मैंने निकाल दिया, प्लस मैं अभी अपने घर भी गई थी, मैं तीज पर अपने घर गई थी, सो मैं 2-3 सामान और लेके आई हूँ. प्लस मैं कल रजौरी भी गई थी. आई टोल्ड यू गाइज मैं लेज़र कराने पर रजौरी गई थी, बट माई हस्बैंड केम एंड ही समवन हु हेट्स मार्केट वाली शॉपिंग. मतलब उसको मॉल ले जाओ ही विल बी हैप्पी, बट मार्केट में वो उतरता ही नहीं है. सो ही वाज इन द कार, ही वाज लाइक जल्दी कर जल्दी कर. सो मैं लिटरली फर्स्ट स्टोर में गई. सो रजौरी में ना ये एक स्टार्टिंग में स्टोर है, दिस इज द स्टोर नेम सैवी. सो वहां से मैंने एक बिकनी ली है अच्छी सी, इट्स लाइक अ सरॉन सेट वाली बिकनी विद अ सैरॉन, बिकॉज काफ़ी सारी मेरे पास क्लोविया की भी हो गई है. दिस इज़ द क्लोविया का डब्बा बाय द वे. एवरीथिंग इज मेस्ड अप बट इग्नोर दैट, अभी मुझे करनी है पैकिंग. सो क्लोविया से भी मैंने 3 परचेज करी हैं. इसका मैं हॉल डेफिनेटली डालूंगी, आई थिंक ये मैं बाली से आके डालूंगी, बिकॉज मैं सब पहन वहन लूँगी ना, तो मैं आपको आउटफिट के शॉर्ट्स भी दिखा सकती हूँ. सो ये आपको तब दिखने वाली है. सो फॉर नाउ आई हैव टू पैक टूडे, प्लस ये भी चीज़ें मुझे ऑर्गेनाइज करनी है. सब लेके आई हूँ मैं अपने घर से, जो जो बैग वैग मुझे जो मिला, पाउचेस. अभी एक ट्रैवल किट भी बनानी है, ये वाली किट्स भी बनानी है जो बीच पर लेके जानी होती है. बैग पैक रेडी करना है. One eternity later. Hi guys, it's Friday. We just have 2 days left for our flight. और पार्किंग के नाम पे हमारा कुछ नहीं हुआ है. आज मैं तिलक नगर मार्केट गई थी, मुझे थोड़ा सा सामान लेना था, नॉट फॉर मी, किसी और के लिए लेना था. सो एक दो चीज़ें मैंने भी अपने लिए पिकअप करी ली, एंड आई एम बैक. फटाफट से रेडी हुई हूँ बिकॉज फिर निकलना है हमें. वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज गोइंग टू कैनेडा, तो उससे भी हम मिलने वाले हैं. मेरी बेस्ट फ्रेंड का भी बर्थडे आज, बहुत ज़्यादा क्योटिक हो चुका है, सब चीज़ें करनी है. और कल से मैं पैकिंग करने वाली हूँ. कल से क्या, कल तो करनी ही पड़ेगी बिकॉज परसों हमारी फ्लाइट है. एंड लुक एट इट, मेरा फेस कितना अजीब लग रहा पड़े यार. मैंने आके फेस वॉश भी नहीं किया, मैंने थोड़ा बहुत बीबी क्रीम लगाई हुई थी, उसके ऊपर मैंने टचअप कर लिया.
पीछे का मैं ऐसे इग्नोर करो यार, अभी बहुत चीज़ें मेस्ड अप है। ये मेरी फेवरेट ड्रेस है जो मैं बहुत बार पहन चुकी हूँ, उसके तो मैंने पैसे बिल्कुल वसूल कर लिए। मैंने मीशो से ली थी, इट्स लाइक अ वेरी नाइस कोरियन सॉर्ट ऑफ ड्रेस एंड लुक एट द मेस, इग्नोर इट। बट या अब चलते हैं फ्रेंड्स के पास एंड आई एम नॉट गोना व्लॉग एज सच बिकॉज माई फ्रेंड्स आर नॉट कम्फर्टेबल इन व्लॉगिंग, तो मैं सच उनको नहीं इंक्लूड करती हूँ। स्टोरीज वगैरह डाली थी दैट्स इट, बट ऐसे यूट्यूब पे नहीं इंक्लूड करती हूँ। सो या लेट्स गो। जरूरी चीज़ पैक हो चुकी है विच इज़ माई मेकअप किट, पूरी रेडी हो चुकी है। इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगी, वो सेपरेटली आने वाली है। बट लेट मी टॉक अबाउट माई करंट फेवरेट प्रोडक्ट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर किट जो बहुत ज़्यादा ट्रैवल फ्रेंडली है। फोकस क्यों नहीं हो रहा? फोकस। ओके, लेट मी फर्स्ट टॉक अबाउट इट, फिर आगे बढ़ते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट दीज क्यूटीज लिप बाम। मेरे पास एक्चुअली दो है, एक मैं ट्रैवल बैग में रखने वाली हूँ, एक मैं अपनी किट में रखने वाली हूँ, ताकि दोनों जगह मेरे पास लिप बाम्स हो। यू कैन नेवर हैव इनफ लिप बाम, स्पेशली वेन यू आर ट्रैवलिंग, बिकॉज बहुत बार लिप्स ऐसे चापी चापी हो जाते हैं। बट दीज लिप बाम्स आर मोर देन नरिशमेंट। बार क्या होता है, हमें लिप डार्कनिंग हो जाती है, काफी लोगों के लिप्स बहुत ज्यादा पिगमेंटेड होते हैं, या फिर जो लोग लिपस्टिक बहुत ज्यादा यूज कर लेते हैं लिप्स काफी बार डार्क हो जाते हैं। सो उसके लिए यू हैव टू यूज समथिंग एट द बेस जो आपके लिप्स को हल्का सा नरिश भी करे, एट द सेम टाइम उसके अंदर जो इंग्रीडियंट्स हों वो आपके लिप्स की डार्कनिंग को रिड्यूस करें, पिगमेंटेशन को कम करें। सबसे पहले बात करते हैं मेरे फेवरेट वाले की, विच इज द डर्माको 1% कोजिक एसिड लिप बाम। सो इसके अंदर खाली कोजिक एसिड नहीं है, इट हैज अनदर एक्टिव विच इज अल्फा आर्बिटिन। सो कोजिक एसिड जो होता है वो पेनिट्रेट करता है आपके लिप्स में, बेसिकली जो भी डार्कनेस होती है उसको लाइटन अप करने में हेल्प करता है, नरिशमेंट तो देता ही है साथ साथ पिगमेंटेशन को भी कम करता है। एंड अल्फा आर्बिटिन हम सबको पता है जो मेलानिन प्रोड्यूस होता है हमारी स्किन में उसको कंट्रोल करता है। सो ओवरऑल आपके लिप्स को ब्राइटर बनाता है, बेसिकली एक यूनिफॉर्म लिप टोन देता है। सो अगर आपको लिप डार्कनिंग का इशू है ना, कोजिक एसिड वाला लिप बाम इज समथिंग फॉर यू। बट अगेन अगर आपको लिप डार्कनिंग का इशू नहीं है, यू वांट जस्ट अ नरिशमेंट, देन यू कैन यूज द डर्माको 1% सेरामाइड कॉम्प्लेक्स लिप बाम। तो इसके अंदर है सेरामाइड, हम सबको पता है सेरामाइड कितना अच्छा होता है, जो ड्राई रफनेस होती है, चैपीनेस होती है उसको कम करता है। इस लिप बाम में आपको मिलेगा सेरामाइड, विटामिन ई, जो बेसिकली बहुत अच्छी नरिशमेंट आपको प्रोवाइड करता है। ऑल्सो इट टेस्ट वेरी वेरी गुड एंड आई लव द फैक्ट इसका कोई अपना कलर नहीं आता। सो आप इजिली अपने कोई भी एग्जिस्टिंग लिपस्टिक के ऊपर लगा सकते हो, आप लिपस्टिक से पहले लगा सकते हो, या आपके लिप जो लिपस्टिक का कलर है उसको बिल्कुल नहीं लाएगा। अनदर रीजन वाई आई एम कैरिंग दिस टू माई ट्रिप इज इसके अंदर SPF भी है। येस, दीज लिप बाम हैव SPF 30 विद PA++, तो आपको UV प्रोटेक्शन भी देते। सो मेरे लिए तो ये डेफिनेटली लिप बाम थम्स अप है। यू कैन बाय दीज प्रोडक्ट्स फ्रॉम डर्माकोस ऑफिशियल वेबसाइट। अगर आप वहां से लेते हो ना, दे विल लिंक योर ऑर्डर टू अ चाइल्ड दैट दे हेल्प एजुकेट अलॉन्ग विद भूमि। सो दे आर डूइंग समथिंग रियली गुड, दे हैव एम्पावर 10,000 प्लस स्टूडेंट्स दिस ईयर विद अ यंग साइंटिस्ट इनिशिएटिव। सो इस इनिशिएटिव को भी आप सपोर्ट करोगे। इसके अलावा ये बाकी और वेबसाइट्स पे भी अवेलेबल है, मैं लिंक नीचे दे दूंगी। एंड डर्माको इज फ्रेग्रेंस फ्री नाउ, सो इनके लिप बाम भी फ्रेग्रेंस फ्री है। सो अगर आपको फ्रेग्रेंस से इरिटेशन है, एलर्जी है, ये लिप बाम आपको डेफिनेटली सूट करने वाले हैं। सो डू चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आई विल मेंशन ऑल द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। 2000 years later. Oh, and I also have something from Myntra. सो मिंत्रा से मैंने दो चीज़ें मंगाई हैं अब तक। मैंने एक कॉटन की शॉर्ट्स मंगाई है, दैट इज़ गुड, मैंने ट्राई करके देख ली, अच्छी है। लेकिन एक मैंने जंपसूट मंगाया था, मैं यहाँ पे पिक्चर इंसर्ट कर दूंगी। एक तो पॉलिएस्टर का था, ऊपर से आई डोंट नो उसकी फिट बड़ी गंदी थी, ओवरऑल लुक उसकी बड़ी गंदी थी। सो मिंत्रा पे अब आ चुकी है एक्सचेंज सॉर्ट ऑफ थिंग, कि बेसिकली आपको अगर ये रिटर्न नहीं करना है, फिर एग्जैक्टली साइज चेंज नहीं कराना, आपको स्टाइल ही पूरा चेंज कराना है, तो आप वो भी करा सकते हो। तो मैंने वो एक्सचेंज में डाल दिया था। सो आई पिक्ड अप दिस स्टाइल नाउ, मैंने दूसरे स्टाइल का जंप सूट ले लिया, इट्स लाइक अ प्ले सूट जो शॉर्ट वाले होते हैं। एंड ये है प्योर कॉटन का। नाउ डेज आई एम मोर इन टू कॉटन स्टफ, मैं पहले पॉलिएस्टर बहुत लेती थी, बट अब मुझे लगता है यार नहीं पहने जाते हो, स्पेसिफिकली गोइंग टू अ कंट्री लाइक बाली जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, आई रियली कांट वेयर स्टफ जो पॉलिएस्टर वाले होते हैं। सो मैंने एक कॉटन का मंगाया, तो मटीरियल इज नाइस, लेट मी जस्ट शो यू कैसा दिखता है ये। जस्ट लाइक अ प्ले सूट सॉर्ट ऑफ थिंग, आई थिंक ये ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं एज कम्पेयर टू ड्रेसेस, बिकॉज नीचे से तो ऑब्वियसली ये शॉर्ट स्टाइल ही होते हैं। जो भी चीज़ें मैं वहीं पर ही पहनने वाली हूँ, और आपके स्टोरीज के थ्रू या फिर जो भी मेरे ब्लॉग शॉर्ट ब्लॉग जो भी उसके थ्रू पता चल जाएगा। इट हैज़ अ वेरी ब्यूटिफुल वी नेक एज वेल। और इसमें मैंने कौन सा साइज मंगाया है, द साइज दैट आई ऑर्डर्ड इन दिस वन इज स्मॉल, आई थिंक स्मॉल आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड ओवर कॉन्फिडेंस, लॉल नहीं आ रहा मुझे स्मॉल, ऊपर से इतना अच्छा फिट आ रहा, नीचे से नहीं आ रहा, सैड।
I'm also trying all the clothes that I have और background में music चल रहा है because I can't process without music. Very next evening. Different discount. There's no discount. So member prices. Oh, it's down here. जो अच्छा रहता है वो डिफेक्टिव होता है. कैन यू सी थ्रेड? सारे को थ्रेड निकले हुए. एंड वी आर बैक. पैर दर्द हो रहे हैं बड़े ज़बरदस्त. लिपस्टिक पूरी उतर गई है. सुबह मेकअप करो शाम तक तो पूरा उतर ही जाता है. बट आई लव माई इयर रिंग्स. मैंने बहुत पहले मीशो से लिए थे. आई थिंक मैंने आपको मीशो हॉल में भी दिखाए थे. ऑल्सो दिस कुर्ता जो फाइनली मैंने पहन लिया है, ये मैंने आई थिंक आपको किसी आजियो हॉल में दिखाया था. आई लव दिस बड़ा ईजी ब्रीजी वाला कुर्ता. ऑल्सो वी गॉट दिस, लेकिन हमने ख़रीदा नहीं, हमें फ्री मिला है. फ्री की चीज़ों का मुझे बड़ा शौक है. मेरे अंदर का मोनिशा सारा भाई एकदम खुश हो जाती है जब कुछ फ्री मिलता है. ढाई हज़ार की देना. तो टेक्निकली हमने 50% ऑफ पे सब कुछ लिया है. 10,000 का सामान हमने 5,000 का लिया. 5,000 के ऊपर हमें ये 2,500 के पिलोज मिले. एंड माई वर्क इज़ डन. मैंने लाइव कर दिया वीडियो. जुलाई फेवरेट्स आज लाइव जा चुका है. ये व्लॉग तो पता नहीं कब जाएगा. ऑल्सो आई शॉट द ग्लोवी ऑल. ये मैंने बहुत जल्दी जल्दी में शूट किया है. आई डोंट नो, मुझे फुटेज इतनी अच्छी नहीं लगी, पर ठीक है, देखती हूँ रीशूट करना नहीं करना. मैंने सब कुछ ठूस दिया है इसके अंदर जल्दी जल्दी में. बट आई एम डन विद दिस वीडियो एज वेल. ये बाली से आकर ही मैं डालूंगी. डन विद द वर्क. अब थोड़ा सा किचन का वर्क करते हैं. मुझे थोड़ा सा किचन में काम मिला है तो ज़रा वो कर लेती हूँ. आई एम मोर लाइक एन इंटर्न. अपनी मदर इन लॉ के इंटर्न यू कैन से. जो भी छोटा मोटा काम होता है मैं अपनी मदर इन लॉ को बोल देती हूँ आप मुझे दे दो, बिकॉज ऑब्वियसली मैं जितनी हेल्प कर सकती हूँ उतनी करूँगी. Morning. Hi guys, it's our flight day. We are flying today. Very very excited. Nervousness ज़्यादा है और जब भी मैं ऐसे anxiety होती है ना, मुझे ऐसे पेट में गुड़गुड़ होने लग जाती है. पैकिंग का अपडेट, पैकिंग ऑलमोस्ट हो चुकी है. थोड़ा सा मेसअप हुआ था बिकॉज इसका हमें पासवर्ड नहीं मिल रहा था, पर नेवर माइंड, बैग हो गया. इसको बस क्लोज करना है. मैक्सिमम चीज़ें डन हो चुकी हैं. मैं अभी अपना एयरपोर्ट लुक डिसाइड कर रही हूँ, बिकॉज होता है यार आजकल एयरपोर्ट लुक की बड़ी वो चल रही है. मैं देख रही हूँ कुछ कंफर्टेबल होना चाहिए, वो पहनूंगी. एंड नाउ आई एम एंडिंग द व्लॉग हियर. आई एम नॉट रियली श्योर आई बी डूइंग बाली व्लॉग्स और नॉट. सो व्लॉग्स हमें श्योर नहीं हूँ, बट ट्रस्ट मी, आई एम गोना मेक लॉट ऑफ शॉर्ट्स, रील्स बहुत सारे बनाने वाली हूँ. आउटफिट वीडियो, गेट रेडी वीडियो, मतलब बहुत कुछ करने वाली हूँ. सो या होपफुली जय माता दी हमारी पहला इंटरनेशनल ट्रिप स्लैश हनीमून अच्छा रहे. एंड आई एम एंडिंग द व्लॉग हियर. इफ यू लाइक इट गिव इट अ बिग थम्स अप, सब्सक्राइब टू माय चैनल. एंड अगर आपको ऐसे व्लॉग्स देखने हैं तो प्लीज़ लेट मी नो, आई विल डेफिनेटली मेक मोर फॉर यू. बट फॉर नाउ आई एम एंडिंग दिस व्लॉग. इस व्लॉग में तो मैंने कुछ भी मेंशन किया है जो आपको खरीदना हो, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी. सो प्लीज़ चेक कर लेना. एंड नाउ बाय बाय, सी यू ऑन द अदर साइड ऑफ द वर्ल्ड. बाय.